टॉप फाइव बेब्लेडर्स हु हैव बीन मेड वीकर इन द रीसेंट बेब्लेड बर्स्ट सीजन्स। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो बेब्लेड बर्स्ट है उसमें काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। एंड यार, जो बेब्लेड बर्स्ट है वो मेरे हिसाब से टर्बो तक उसका जो पावर स्केलिंग था ना वो काफ़ी सही था, बट टर्बो के बाद जो उसका पावर स्केलिंग हो गया था वो काफ़ी ज़्यादा तुम कह सकते हो इनकॉन्सिस्टेंट था। तो इसके चलते काफ़ी सारे जो बेब्लेडर्स है वो है, मतलब काफ़ी वो वीकर बना दिए गए हैं रिसेंट के सीजन्स में। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे पांच बेब्लेडर्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बेब्लेड बर्स्ट के रिसेंट सीजन्स में काफ़ी ज़्यादा वीक बना दिए गए हैं। तो चलो यार, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फाइव, आइगर अकाबाने। सो गाइस, आइगर की बात करूं तो यार, जो आइगर था वो बेब्लेड बर्स्ट टर्बो एंड राइज में हमें काफ़ी ज़्यादा ही कूल तरीके से दिखाया गया था। मतलब उसका पावर स्केलिंग वगैरह सब कुछ सही था। बट यार, बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग की बात करें तो यार, इसमें जो आइगर है वो जब आया था तो वो हायुगा से भी हार गया था। मतलब लिटरली यार, जो हायुगा था उसने अभी अभी अपनी बेब्लेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी एंड उसने आइगर जैसे लेजेंड्स को हरा दिया था। बेब्लेड बर्स्ट राइज में तो यार डांटे पूरा ये हो गया था यार, उसको भाई बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बट स्टिल वो आइगर से हार गया था। सो इसीलिए यार, जो आइगर है वो रिसेंट सीजन स्पार्किंग में काफ़ी ज़्यादा वीक बना दिया गया है। तो यार, जो आइगर है वो फिफ्थ नंबर पे आता है। नंबर फोर, साइलस कार्लाइल। सो गाइज, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो साइलस है वो हमें बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। एंड यार, जो साइलस था जब वो इंट्रोड्यूस कराया गया था तो यार हमें वो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा था। मतलब लिटरली यार, बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में उसने बिग फाइव जो था उस समय का, उनमें से उसने तीन मेंबर्स को लिटरली डिफीट कर दिया यार। बिग फाइव के तीन मेंबर्स को उसने लिटरली डिफीट कर दिया। तो यार, जो साइलस था वो तो मेरा मतलब उस टाइम पे फेवरेट बन गया था, बट यार बेब्लेड बर्स्ट पार्किंग में जो साइलस है उसको काफ़ी ज़्यादा नर्फ कर दिया गया है। मतलब उसका कोई इज्जत ही नहीं है यार बेब्लेड बर्स्ट पार्किंग में। हाँ, वो लेजेंडरी ब्लेडर तो है, बट स्टिल मतलब उतना पावरफुल नहीं है वो जितना उसे दिखाना चाहिए। जो साइलस था उसका पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा था, बट उसके पोटेंशियल को जो बेब्लेड वालों मतलब बेब्लेड राइटर्स हैं उन्होंने वेस्ट कर दिया। तो जो साइलस है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक बना दिया गया है एंड वो नंबर फोर्थ पोजिशन पर आता है। नंबर थर्ड, लुई शिरोसागी। सो गाइस, लुई के बारे में बात करें तो यार, लुई सही में काफ़ी ज़्यादा वीक बना दिया गया है बेब्लेड बर्स्ट पार्किंग में। मतलब यार, लुई एक ऐसा ब्लेडर यार जिसको मतलब वॉल्ट, शू, फ्री, ये इन सबको लिटरली यार लुई ने हरा के रखा है। एंड जो बाकी ब्लेडर्स थे जिन्होंने लुई को हराया है उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, लाइक आइगर। तो यार, जो लुई था वो लिटरली इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, बट यार बेब्लेड बस टर्बो में उसको वीक बना दिया गया, नर्फ कर दिया गया मैं कहूँ तो। एंड बेब्लेड बस पार्किंग में भी उसे काफ़ी नर्फ कर दिया गया। मतलब जब वो इंट्रोड्यूस कराया था बेब्लेड बस पार्किंग में तो यार उसी टाइम वो लिटरली लाइक लेन से हार गया। आई नो जो लेन है वो मेन विलेन है, बट यार लुई से क्यों मतलब उसको जिता रहे हो यार। जो लुई है वो लेजेंडरी ब्लेडर है, उसके पास ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड वो बेब्लेड मतलब बेब्लेडिंग बचपन से कर रहा है। बट यार, जो लेन है उसने लुई को हरा दिया है बेब्लेड बर्स्ट पार्किंग में एंड बाकी ब्लेडर्स ने भी लुई को लाइक लिटरली हरा दिया, उसका कोई इज्जत ही नहीं बचा है। तो यार, जो लुई है वो नंबर थर्ड पोजिशन पर आता है। नंबर टू, फ्री डला होया। सो गाइस, फ्री के बारे में बात करें तो यार सही में फ्री को इतना वीक कर दिया गया है ना रिसेंट सीजन्स में कि मैं क्या ही कहूँ। मतलब फ्री जैसे लेजेंडरी ब्लेडर को यार बेब्लेड बस पार्किंग में साइड कैरेक्टर बना दिया गया एंड सबसे स्ट्रांग होते हुए भी उसको सबसे वीक दिखाया जा रहा है बेब्लेड बस पार्किंग में। सबसे गंदा कैरेक्टर डेवलपमेंट में कहूँ ना तो फ्री का ही है बेब्लेड बस पार्किंग में। तो यार, जो फ्री है वो लिटरली बीस्ट था, बट अभी यार उसको हायुगा जैसे ब्लेडर हरा दे रहे हैं। मतलब भाई क्या है, मतलब यार मेरे को दुख भी हो रहा है, मैं हंस भी रहा हूँ, आई डोंट नो वाई। बट हाँ यार, जो फ्री है उसको काफ़ी ज़्यादा ही वीक बना दिया गया है। मतलब भाई, फ्री जैसे स्ट्रांगेस्ट ब्लेडर को, वर्ल्ड चैंपियन ब्लेडर को, जो कि दूसरों को बस ये करके हरा देता था, क्या कहते हैं, हाथ से लॉन्च करके हरा देता था, उसको लिटरली बाकी ब्लेडर सभी जो नौसिकीय ब्लेडर्स है वो डिफीट कर दे रहे हैं। तो यार, जो फ्री है वो नंबर सेकेंड पोजिशन पर आता है। एंड फाइनली नंबर वन, द मोस्ट वीकेस्ट ब्लेडर, आई मीन जो कि रिसेंट सीजन्स में जिसको बना दिया गया है, वॉल्ट आवोए। तो यार, वॉल्ट के बारे में बात करें तो भाई मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मेरे को बताओ। जो वॉल्ट है वो मतलब यार वर्ल्ड चैंपियन है, बट स्टिल उसको वर्ल्ड चैंपियन वाला इज्जत ही नहीं मिल रहा। देखो, बेब्लेड बस टर्बो में जो है उसका पावर कॉन्सिस्टेंट था, मतलब मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ।
राइज में भी उसने ज़्यादा बेबेटस नहीं किया, तो उसको भी एक्सेप्ट ही कर सकता है। बट बेब्लेड बस पार्किंग में यार जो वॉल्ट है वो भले ही लेजेंडरी प्लेयर था, फर्स्ट लेजेंडरी प्लेयर था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, बट स्टिल यार उसको मतलब हायुगा ये सब लेन वगैरह हरा दे रहे थे नौसिखिए ब्लेडर्स भाई। मतलब भाई मैं क्या ही बोलूँ, जो वॉल्ट है इतना वीक बना दिया गया उसे सही में बेब्लेड बर्स्ट में। एंड इसका भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि वॉल्ट को इतना वीक बना दिया गया है बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग में। वेट, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, सॉरी। तो हाँ यार, जो वॉल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ही वीक बना दिया गया है, सबसे ज़्यादा उसको वीकेस्ट दिखाया जा रहा है, राशाद और लेन जैसे ब्लेडर्स को डिफीट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई यार जो वॉल्ट है वो नंबर फर्स्ट पोजिशन डिजर्व करता है। तो हाँ यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड कोई और वीक ब्लेडर जो आपको लगता है जिसको काफ़ी वीक बना दिया गया है बेब्लेड बर्स्ट के रीसेंट सीजन्स में, आप उस ब्लेडर के बारे में कमेंट कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।